हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों, जमीन सर्वे को लेकर के आज की क्या अपडेट है? दोस्तों, आज की अपडेट क्या है कि पटना में जो ऑफिस है वहां लगभग 600 आवेदन आ रहे हैं। मतलब आवेदन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है दस्तावेज निकालने के लिए, जो भी खाता खतियान जो भी दस्तावेज है, यहाँ तक कि नक्शा निकालने के लिए भी इतना ज्यादा मतलब प्रेशर हो गया है। इतना ज्यादा मतलब लोग निकालवा रहे हैं नक्शा, जिससे वहाँ के लोगों को 2 गो मशीन एक्स्ट्रा बैठाना पड़ा है सिर्फ नक्शा लगाने के लिए। मतलब इतना ज्यादा आवेदन आ रहा है, तो लोग बहुत ज्यादा मतलब यहाँ से सब परेशान है, अधिकारी लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है। आधे की हो रही निपटारा, अब तक 5,000 पेंडिंग है। मतलब जो आवेदन आ रहा है उसमें भी लगभग 5,000 अभी पेंडिंग है, और 600 में से आधा मतलब 300 लोग बची जा रहे हैं। कितना लोग काम करेगा? देखिए क्या लिखा हुआ है आज की खबर में। जमीन सर्वे की शुरुआत होते ही पटना के साहित्य राजभर के अभिलेख कार्यालय में जो अभिलेख निकलवाने के लिए दस्तावेज निकालने के लिए आवेदन की संख्या 2.5 गुनी तक बढ़ रही है। समान तौर पर जिला मुख्यालय स्थित निबंधन कार्यालय में अभिलेख गार व जिला रिकॉर्ड रूम में दस्तावेज निकालने के लिए औसतन 100 से 120 आवेदन हर दिन आते थे। अभिलेख गार व जिला रिकॉर्ड रूम में दोनों जगह को मिलाकर इसकी संख्या 600 से अधिक हो गई है। कर्मियों और संसाधन की कमी के कारण हर दिन आधे से कम आवेदकों की दस्तावेज मिल रहे हैं। इसमें 20% आवेदन दस्तावेज का कागज फटे होने या खोज नहीं पाने के कारण रिजेक्ट हो रहा है। शेष आवेदन मतलब दस्तावेज फटा हुआ है या फिर ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, या कागज फटे होने के कारण, ये देखिए क्या क्या लिखा, कागज फटे होने या खोज नहीं पाने के कारण मिल ही नहीं रहा है। शेष आवेदन बैकलॉग में चले जा रहा है। दोनों जगहों को मिलाकर अभी 5,000 से अधिक आवेदन पेंडिंग है। इनके निपटारे के लिए कर्मों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसके लिए राज्य भर में 409 लिपिक के पद पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। जो लिपिक के पद है उसके बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई। तो ये दोस्तों ये खबर निकल के आई है। और क्या है देखते हैं। इधर लिखा हुआ है, मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग के अधिकारी के मुताबिक वर्ष 1995 से अब तक 21,11,000,002 करोड़ इतना 34,62,000 इतना दस्तावेज का डिजिटाइजेशन किया गया है। इन्हें निकालने के आसान फाइल लोग विभाग के वेबसाइट पर जाकर इन दस्तावेज के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसे निकाल सकते हैं। लेकिन 1,796 से लेकर 1995 तक करीब 21,11,000,000 करोड़ 5,13,48,948,914 दस्तावेज को डिजिटाइजेशन करने का काम अभी चल रहा है। इसमें पुराने दस्तावेज की स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब फटी हुई है। कागज जो है, कागज पुराने होने के कारण फट गए हैं। इन दस्तावेज का डिजिटाइजेशन का काम पूरा होने के बाद दस्तावेज को खोजना आसान हो जाएगा। और क्या लिखा हुआ है, प्रपत्र 2 भरकर देना देनी है मूल दस्तावेज की फोटोकॉपी। क्या लिखा, जमीन सर्वे के लिए ग्राम सभा के बाद रैयतों को प्रपत्र 2 भरकर मूल दस्तावेज की फोटोकॉपी देनी है। इसमें उन्हें जमीन का खाता, खेसरा रकबा, किस्म से को छोड़कर लगान, जमाबंदी संख्या, भूमि, दावा के आधार पर देना है। यह बिना मूल दस्तावेज के संभव नहीं है, क्योंकि उसी के आधार पर यह तय होगा कि संबंधित रैयत भूमि पर किसका अधिकार है, उसमें जमीन किसकी खरीदी है या फिर खानदानी जमीन है। दोस्तों, जब तक ये दस्तावेज नहीं निकलेगा, पेपर नहीं निकलेगा, तो कैसे पता चलेगा कि जमीन किसका है? ऐसे तो खाता, खेसरा, रकबा ये सब तो देना ही है, लेकिन असली दस्तावेज जब तक नहीं पता चलेगा तब तक अधिकारी कैसे साबित करेंगे, या फिर हम लोग भी जब खानदानी जमीन है कि खरीदा हुआ जमीन है वो कैसे साबित होगा। नक्शे के लिए भी आवेदन की भीड़, जमीन सर्वे के बाद नक्शे के लिए आवेदन 3 गुना बढ़ गए हैं। गुलजारबाग स्थित नक्शे कार्यालय के समान दिन में 60,000 रुपये का नक्शा बिक रहा था। बताइए, 60,000 का नक्शा बिक रहा था, जो बढ़कर 1.84 लाख से 2 लाख हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक रोजाना 500 लोग नक्शा निकालने के लिए कार्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं करीब 100 आवेदन ऑनलाइन मिल रहा है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए नक्शा प्रिंट करने वाली 2 नई मशीनें लगाए गए हैं। देखे, 2 मशीनें लगाए, इतना ज्यादा मतलब लोगों के ऊपर प्रेशर हो गया है। इतना प्रेशर हो गया है कि देखिए किस तरह से जो है लोगों को नक्शा निकालने से लेकर अधिकारी और नया बहाली भी की जा रही है। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारी खबर जो है मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। दोस्तों, जितना भी इन्फॉर्मेशन आएगा वो सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इस तरह का इन्फॉर्मेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों ने शेयर कर लीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।